डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बात की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी या एल्गी हमारे लिए कैसे यूजफुल है उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और जो एक फर्स्ट क्लास है इसकी क्लोरोफाइसी उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एल्गी को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइसी, द सेकेंड क्लास इज फियोफाइसी एंड द लास्ट क्लास इज रोडोफाइसी। अब अगर हम सिंपली देखें तो क्लोरोफाइसी क्या मतलब है, क्लोरोफाइसी का, क्लोरोफाइसी में आएगी ग्रीन एल्गी, तो क्लोरोफाइसी मींस ग्रीन एल्गी। और फियोफाइसी में आएगी ब्राउन एल्गी। और अगर हम बात करें रोडोफाइसी की तो नाम से भी पता लग रहा है आर है, तो यहां पे ये रेड एल्गी। तो इस तरह से एल्गी जो कि यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, बॉडी थैलॉइड है, उनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। और आज हम केवल चर्चा करेंगे क्लोरोफाइसी की। अभी जो क्लासेस है इनमें कुछ मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पिगमेंट्स कौन से हैं या स्टोर्ड फूड कौन सा है, सेल वॉल किस तरह की है, जो फ्लैजेला है वो कितने हैं या उनकी कौन सी पोजीशन है और हैबिटेट उनका किस तरह का है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसी क्या है, दिस इज यू कैन से द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज प्लांट बॉडी। अब प्लांट बॉडी की हम बात करें तो किस तरह की प्लांट बॉडी होगी इनकी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स की। सबसे पहले यूनिसेलुलर भी हो सकती है और कॉलोनियल भी हो सकती है, इवन इट में बी फिलामेंटस। पर आपको पता है चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे कॉलोनियल हो चाहे फिलामेंट की फॉर्म में हो, ये कैसे होंगे, ये यूकैरियोटिक सेल होंगे। तो अब अगर हम बात करें कि ये ग्रीन क्यों है तो इसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे कि इनके अंदर मेजर पिगमेंट्स कौन से हैं। तो अगर इनके मेजर पिगमेंट्स की हम बात करें तो बहुत ही सिंपल तरीका है क्लोरोफिल ए कॉमा क्लोरोफिल बी। और मैं आपको एक और चीज बताऊं कि क्लोरोफिल को याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि क्लोरोफाइसी में कौन से पिगमेंट से मेन या फियोफाइसी में कौन से हैं रोडोफाइसी। तो जैसे आप ए सब में लिखेंगे यहां करेंगे बी सी डी, मतलब क्या होगा कि क्लोरोफाइसी में होंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, फियोफाइसी में होंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, और रोडोफाइसी में होंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। तो यहां पे मेजर पिगमेंट कौन से हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। और ये कहां पे लोकलाइज्ड होते हैं, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और क्लोरोफिल उनके अंदर पाई जाती है। तो दीज आर प्रेजेंट इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट और इसी वजह से इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो ग्रास ग्रीन होता है। इसलिए इस एल्गी को या इस एल्गी के मेंबर्स को ग्रीन एल्गी कहा जाता है, बिकॉज दे हैव अबंडेंस ऑफ द मेजर पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी एंड दे आर प्रेजेंट इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द एल्गी। अब अगर हम बात करें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनकी शेप यहां पे वेरिएबल होती है। शेप कैसे वेरिएबल होती है,
या तो क्लोरोप्लास्ट डिस्क की तरह होते हैं तो उनको होते हैं डिस्कॉइड, या वो प्लेट की तरह भी हो सकते हैं या रिबन की तरह भी हो सकते हैं, रिबन शेप्ड भी हो सकते हैं, इवन कप शेप्ड भी हो सकते हैं और स्पाइरल भी हो सकते हैं, स्पाइरल या रिबन शेप्ड। तो इसका मतलब कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जैसे मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्लेमाइडोमोनास है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप्ड होता है। तो आप देख सकते हैं यहां मैं क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं, आप देख सकते हैं ये किस तरह का है, इट इज कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप अलग अलग होगी, वो डिस्क्वाइड भी हो सकते हैं, डिस्क की तरह भी हो सकते हैं, प्लेट की तरह भी हो सकते हैं, रिबन की तरह भी हो सकते हैं, जैसे इस तरह के भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं, रिबन शेप्ड या स्पाइरल, ये इस तरह के भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल शेप होती है अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें। अब इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, तो हम बात करेंगे इनके हैबिटेट की। अगर इनके हैबिटेट मींस द लिविंग प्लेस जहां पर रहते हैं, इनका हैबिटेट होता है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मेरीन वाटर। तो मतलब एक्वाटिक एल्गी है जो फ्रेश वाटर में भी रह सकती है, ब्रैकिश वाटर में भी रह सकती है और मेरीन वाटर, या आप बोल सकते हैं कि सी वाटर में भी ये पाई जाती है। तो ये इनके हैबिटेट हुआ। तो अभी तक हमने बात की कि एल्गी को हमने डिवाइड किया है तीन क्लासेस में, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, थियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। और हम डिटेल में पढ़ रहे हैं क्लोरोफाइसी को, और क्लोरोफाइसी के जो जो मेंबर्स होते हैं उनको ग्रीन एल्गी कहा जाता है, और उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कोलोनियल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है, पर जो सेल स्ट्रक्चर है दैट विल बी यूकैरियोटिक। एंड यू नो दीज आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई दे हैव क्लोरोप्लास्ट, एंड द क्लोरोप्लास्ट कंटेन मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इन केस ऑफ दिस क्लोरोफाइसी। And the shape of chloroplast is highly variable, that it may be discoid or it may be plate-like or even cup-shaped and you can say ribbon or spiral-shaped. अब इनके habitat की अगर बात करें तो fresh water में, brackish water में और salt water जिसको हम sea water कहते हैं, तो ये तीनों type के water में ये पाई जाती है, तो मतलब aquatic होती है। अब इसके बाद हम next point इसका करेंगे कि storage। अब जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं, जो स्टोरेज होता है, जो स्टोर्ड फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे प्लांट्स के केस में स्टार्च होता है, हमारे में ग्लाइकोजन होता है जिसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अब यहां पे जो स्टोरेज ऑफ फूड है वो किस तरह से है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें तो स्टोर्ड फूड यहां पे कौन सा होगा, स्टार्च। पर यहां पे जो स्टार्च होता है वो स्टोरेज बॉडीज के रूप में होता है, और उन स्टोरेज बॉडी को कहा जाता है पाइरिनोइड्स। व्हाट आर द पाइरिनोइड्स, पाइरिनोइड्स आर द स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट एंड दे कंटेन प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम बात करें, ये प्रोटीन एक्सपोज करो और इसके बाहर से स्टार्च की शीत है या स्टार्च की लेयर है, तो ये बन गई एक पाइरिनोइड। तो पाइरिनोइड में क्या होता है, ये बेसिकली स्टोरेज बॉडीज है जिनमें स्टार्च के अलावा क्या चीज होती है, प्रोटीन होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो सम ऑफ द एल्गी, दैट इज सम ऑफ द ग्रीन एल्गी, दे में स्टोर फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट्स। मतलब क्या कर सकते हैं, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी फूड को स्टोर कर सकते हैं, पर मेन जो होता है उनमें स्टार्च होता है और स्टार्च उनका मेन स्टोरेज स्टोर्ड फूड है। पर इसके अलावा कुछ एक एल्गी में क्या होता है कि वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी उसको स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट फीचर है
दैट इज सेल वॉल। आपको पता है कि जब भी हम प्लांट्स की बात करते हैं तो सेल वॉल प्लांट्स में होती है, एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होती। अब यहां पे ये जो सेल वॉल है ये किस चीज की बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल वॉल रिजिड होगी और किस चीज की बनी होगी? सेलुलोज की। पर इसमें क्या है, इसमें भी दो लेयर्स होगी। जैसे हम यहां सपोज करो ये हमने एक एल्गी ली, ग्रीन एल्गा लिया, इसमें जो सेल वॉल है इसमें दो लेयर्स कौन कौन सी होगी? सेल वॉल की जो इनर लेयर है, यहां जैसे मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, तो ये जो इनर लेयर है ये तो बनी होगी सेलुलोज की, और जो आउटर लेयर है वो किस चीज की बनी होगी? पेक्टोज की। तो इसका मतलब है कि द सेल वॉल ऑफ क्लोरोफाइसी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एज वेल एज पेक्टोज, बट द मेन इज सेलुलोज, दैट इज द इनर लेयर ऑफ रिजिड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दिस सेलुलोज, व्हाइल द आउटर वन कंटेन्स पेक्टोज। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर क्लोरोफाइसी की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा? आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के तीन मोड होते हैं, और वो तीन मोड कौन कौन से होते हैं? एक वेजिटेटिव, दूसरी एसेक्सुअल, और तीसरा जो मोड होता है दैट इज सेक्सुअल। नाउ इन केस ऑफ वेजिटेटिव इट टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ यू नो दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि क्या है कि जो प्लांट बॉडी है उसके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, और हर फ्रेगमेंट से फिर नया ऑर्गेनिज्म मतलब नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। और एसेक्सुअल की अगर हम देखें तो दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको होता है जो स्पोर्स होते हैं, जो कॉमन स्पोर्स होते हैं, दे आर जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स कैसे होते हैं? वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब वो मूव कर सकते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। क्यों मूव करते हैं? वो इस वजह से करते हैं, जैसे आप यहां पे देखेंगे, जैसे ये बना दिया मैंने, तो इनमें ये फ्लैजेला होते हैं, और इन फ्लैजेला की वजह से ये कैसे होते हैं? ये मोटाइल होते हैं। और ये जो जूस्पोर्स हैं दीज आर द मोटाइल स्पोर, और कहां बनते हैं? जूस्पोरेंजिया में। जैसे आपने फंजाई के केस में किया कि स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, तो जूस्पोर बनते हैं जूस्पोरेंजिया के। जैसे ये मान लिया जाए जो जूस्पोरेंजिया है, तो इसके अंदर क्या बन जाएंगे? जूस्पोर्स बन जाएंगे। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ क्या, किसकी मदद से होती है? जूस्पोर्स की वजह से। और जूस्पोर कैसे स्पोर्स हैं? वो मोटाइल स्पोर्स हैं। क्यों मोटाइल स्पोर है? क्योंकि उनमें क्या होते हैं? फ्लैजेला होते हैं। और जूस्पोर किसके अंदर बनते हैं? जू जूस्पोरेंजियम के अंदर, जो सिंगुलर जूस्पोरेंजियम, और प्लूरल की जब हम बात करेंगे तो जूस्पोरेंजिया। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो यहां पे भी वही होगा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और वो किस टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है, या तो आइसोगैमी होगी, या एन आइसोगैमी होगी, या कौन सी होगी? उगैमी होगी। ये डिपेंड करता है कि जो गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं क्या वो बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर वो सिमिलर हैं तो आइसोगैमी होगी, अगर वो डिसिमिलर हैं तो एन आइसोगैमी होगी, और अगर वो फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, जैसे हमने पहले भी बात की कि जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा है लेकिन स्टेशनरी है, जो मेल गैमेट है वो छोटा है लेकिन मोटाइल है, तो इनका जो फ्यूजन होता है इससे क्या बोलते हैं, इस टाइप के फ्यूजन को बोलते हैं ऊगैमस। अब हम बात करें कि ग्रीन एल्गी के जो कॉमन एग्जाम्पल्स है, तो कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं ग्रीन एल्गी में? ग्रीन एल्गी में सबसे पहले हमारे पास आता है क्लेमाइडोमोनास। अब ये जो क्लेमाइडोमोनास है, ऊपर मैंने बना दिया, ये क्लेमाइडोमोनास है। इसके अलावा वॉलबॉक्स, ये जो वॉलबॉक्स होता है ये कॉलोनियल होता है। कॉलोनियल कैसे होगा? जैसे मान लीजिए हम यहां पे बना रहे हैं, ये पूरी की पूरी कॉलोनी इस तरह से आपस में एक यूनिट के रूप में होगा ये,
तो ये एक बॉल बॉक्स की कॉलोनी है, तो इट इज अ कॉलोनियल। और इसके अंदर भी डॉटर कॉलोनीज हो सकती है, जैसे और भी हो सकती है इसके अंदर कॉलोनी, ये अंदर डॉटर कॉलोनी, डॉटर कॉलोनी का मतलब इसके अंदर जो और है कॉलोनी उनको क्या बोलते हैं, डॉटर कॉलोनी। तो ये कौन सा है हमारे पास, वॉल बॉक्स। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होता है, स्पाइरोगायरा आप जानते हैं स्पाइरोगायरा भी फिलामेंटस होता है, और चेरा। तो ये मैंने केवल वही एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, दैट इज वॉल बॉक्स, ये कॉलोनियल होता है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा ये कैसे होते हैं हमारे पास, फिलामेंटस होते हैं। जैसे अगर हम यूलोथ्रिक्स की बात करें तो इस तरह का यूलोथ्रिक्स, ये हमारे पास यूलोथ्रिक्स होगा, ये यूलोथ्रिक्स जिसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। और स्पाइरोगायरा की अगर आप बात करें तो स्पाइरोगायरा के केस में आपको होता है कि रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो इस तरह का ये स्पाइरोगायरा है। तो अब मैं समराइज करने जा रहा हूं, आज हमने टॉपिक किया एल्गी को तीन क्लासेस में डिवाइड किया, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देम, द मेन पिगमेंट्स। इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी द मेन पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड बी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पिगमेंट्स दे अपीयर ग्रास ग्रीन, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज, देयर मेंबर्स आर आल्सो नोन एज क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी। Their plant body may be unicellular as in case of Chlamydomonas. It may be colonial as in case of wall box, filamentous, that is Spirogyra and Eulothrix. And the major pigments are chlorophyll A and B, which are present in the chloroplast. And the shape of chloroplast is highly variable, that is it may be disc shaped, you can say discoid. It may be plate-like, ribbon shaped or even cup shaped. They can live in fresh water, brackish water as well as in sea water. And the main stored food is starch, that is there are some bodies, storage bodies are present which are called as pyrenoids, and these pyrenoids contain proteins beside starch. However, some of the green algae, they may store food in the form of the oil droplets. The cell wall of green algae is made up of cellulose, that is the inner, it is rigid cell wall, and its inner layer is made up of cellulose while the outer one is made up of pectose. All the three modes of reproduction are there, that is vegetative, asexual and sexual. Vegetative, by the process of fragmentation, asexual, different types of spores are produced, and the common spores are zoospores which are produced inside zoosporangia. And the sexual mode of reproduction, that involves you can say the formation of gametes and their fusion, and it may be isogamy, anisogamy or oogamy. And the examples of green algae are Chlamydomonas, wall box, Eulothrix, Spirogyra and Chera. In the next video, we will discuss that is brown algae, which is also known as Phaeophysi. Thank you very much.